हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लावर्स गार्डन विद मी जसविंदर जासी। मेरे प्लांट्स, मेरे पौधे मुझे बहुत अजीज़ हैं। जब मैंने शुरू किया था तो शायद मुझे नहीं लगता था कि ये मेरा एक शौक इतना बड़ा पैशन बन जाएगा और मैं इतनी ज़्यादा, अपने आप से भी ज़्यादा इसकी केयर करने लगूंगी। बट अब इनके साथ रहने को सारा दिन दिल करता है। पता नहीं क्या चीज़, कौन सी पॉजिटिव एनर्जी है जो ये देते हैं, और इनके साथ जो गुजारा हुआ टाइम है वो सारा दिन एक पॉजिटिव एनर्जी इन्हेंस करता रहता है अंदर ही अंदर। वो कैसे बनती है, कहाँ से बनती है पौधों से इतनी पॉजिटिव एनर्जी, ये कोई भी नहीं समझ सकता। हाँ, जो इसको लगाता है इसकी के मतलब इसके अंदर मतलब अंदर तक चला जाता है इस पैशन के, तो उसको समझ आती है कि पौधे पेड़ क्या हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है, इनकी जो खूबसूरती होती है वो हमें अट्रैक्ट करती है, आई थिंक सो। उसी की वजह से हम इसकी तरफ, प्लांट्स पौधे जो भी हैं उनकी तरफ हम अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो उनमें से ही एक मेरा ये प्लांट है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। और इसके अगर फूल आप देखोगे तो मे बी शायद मैंने भी पहले नहीं देखे थे। ये देखो इसका फूल कैसा निकला है। अब मैं कैसे आपको शो कैसे कराऊं, एक सेकेंड। ये देखो कितना प्यारा फूल है, इसको बोलते हैं ब्लीडिंग हार्ट। इस प्लांट का नाम ही ब्लीडिंग हार्ट है, जिसे हार्ट के शेप से ब्लड निकल रहा, आई थिंक यही इसका मतलब हो सकता है। तो नाम से ही इतना, अब स्टार्ट है इसका। अब इसमें वो रेड कलर का जो फूल एक और निकलेगा तो उस ये फाइनली फिर ये देखो ब्लीडिंग हार्ट बन जाता है। तो जब मैंने लगाया तो मुझे पत्ते बड़े अजीब से लगे मुझे, मतलब उसने बताया भी माली ने कि मैंने इसे बोला कि मुझे वो ब्लीडिंग हार्ट चाहिए। तो जब मैंने उनको बोला, मैंने बोला ये पौधा वो तो नहीं लगता क्योंकि उसके तो फूल बहुत खूबसूरत हैं जो मैंने देखे थे। तो उसने बोला आप जब हो जाएंगे, अगर ना हुए तो मुझे प्लांट ये वापस कर देना, ये वही है। तो मुझे लगता है कि इसको 4 महीने के करीब लगे हुए, 4 मंथ्स हो गए हैं। तो मैं लग नहीं रहा था कि इस पर कुछ लगेगा, रोज आकर सुबह देखती थी कि कब लगे। फाइनली इसके अभी 2-3 फूल निकले हैं, फूल निकले को 3-4 दिन हो गए। तो आज मैंने वीडियो बनानी इसकी शुरू की है। तो ब्लीडिंग हार्ट इसका नाम है, बार बार बता रही हूँ मैं इसको। तो ये पौधा बहुत खूबसूरत है, मतलब फूल ही बहुत खूबसूरत है। पौधा तो चलो, पौधे प्लांट्स जो पत्तियां सबकी ग्रीन होती हैं, एक जैसी होती हैं, ऑलमोस्ट सिमिलरिटी होती है। मेन होता है फ्लावर्स का, इसकी ब्लूमिंग जब स्टार्ट होती है तो कैसी होती है। तो ये देखो बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये मैंने जितनी भी मिक्सचर ली है सभी में सिर्फ वर्मी कंपोज, कोकोपीट और जो हमारा सोल है, जो गार्डन सोल है उसको लेकर ही बनाई है। उसमें थोड़ा सा मैंने इसमें घर की खाद, गोबर खाद इसमें डाली थी मैंने, तो उसी के हिसाब से मैंने इक्वल सी क्वालिटी लेकर अपने हिसाब से ही जो मैं रूटीन में डालती हूँ उसी हिसाब से डाली थी। उसके बाद मैंने इसमें कुछ ग्रोथ नहीं हो रही थी, फिर मैंने इसमें फर्टिलाइजर डाला, जो मैं फर्टिलाइजर घर पे बनाया वो डाला। उसके बाद फिर मैंने एक और फर्टिलाइजर, 2 तरह का फर्टिलाइजर अलग अलग टाइप का डाला, तो इसने जो है अपने फूल देने शुरू किए। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि अकेली आप खाद, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि आप जितनी मर्जी वर्मी डालो या कुछ डालो, तो कोकोपीट या ऑल दैट डालो, तो वो उसमें फ्लावरिंग की कमी आती है जब तक आप उसको एक अच्छा फर्टिलाइजर नहीं देते, एंजाइम नहीं देते, जो इनको पूरी इसकी खुराक होती है जैसे, वो नहीं देते तब तक ये अपनी ग्रोथ कवर नहीं करते। तो मैंने इसमें वो 2-3 चीज़ें डाली, उसके बाद इन्होंने कुछ दिन के बाद, आफ्टर मे बी 1 वीक के बाद इसने अपनी फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी थी। तो ये मेरा प्लांट है, बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये देखो बहुत, मतलब बड़े प्यारे प्यारे फूल हैं, अभी 8-10 लगे हैं आई थिंक। पीछे की साइड पे भी थोड़े से हैं, ये देखो है? आगे की साइड पे भी लगे हैं, ऊपर हैं। तो अलग ही एक पहचान, मतलब लुक अलग है, पहचान अलग देता है अपना, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं ये वीडियो मुझे परसों, 2 दिन पहले किसी ने एक बात पूछी, कहते आप 1 बाय 1 प्लांट आप दिखाते हो, मैं बहुत अच्छा लगता है, मेरी गार्डनिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक दिन ही सारी 2 दिन में दिखा दूं, मतलब क्योंकि मेरी गार्डनिंग टचपुट भगवान की जैसे काफ़ी बड़ी है। अगर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी तो मुझे लगता है ये 5-6 घंटे की वीडियो बन जाएगी।
तो उन्होंने मुझे यही बोला कि आप बहुत अच्छा करते हो कि एक एक प्लांट की वीडियो पूरी डिटेल में बनाते हो, तो हमें भी समझ आता है, वो देखकर हम साथ के साथ अपनी गार्डनिंग स्टार्ट कर देते हैं, वो जो आप फूल दिखाते हो, क्योंकि जो कभी ऑनलाइन देखते हैं हमें समझ नहीं आता, लेकिन आप पे अब हमको पता है, आपकी जो वीडियो हम देखते हैं, जितने भी मैंने, मुझे किसी पर्सन ने बोला, जितने मैंने आपके वीडियोस देखकर प्लांट्स लिए हैं वो सबके सब वैसे ही निकले जैसे आपने बताया, और बहुत खूबसूरत मेरे जो बगीचे में, मेरे गार्डन में जो उन्होंने लगाया होगा, मैंने अभी तक देखा नहीं है, कि बहुत अच्छे से वैसे ही लग रहे हैं जैसे मैं आपकी वीडियो में देखती हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना। तो ये चीज़ है, मैं इसीलिए वन बाय वन वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि जो जिसने भी देखनी उसको समझ आ जाए कि ये पौधा ऐसा है तो ये लगाने के बाद ऐसा होगा, तो इसकी फ्लावरिंग ऐसी होगी और इसकी आउटलुक प्रॉपर ऐसी आएगी, तो अगर मैं अपने गार्डनिंग में इसको लगाती हूँ या लगाता हूँ तो वो कैसा मुझे दिखेगा, जिसको वो पौधा जो मैं जिसकी भी वीडियो बनाती हूँ पसंद आता है तो वो अपना प्लांट वो फिर लेकर आता है। तो यही वन रीजन है मेरा कि मैं वन बाय वन सभी को एक एक करके सभी प्लांट की वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। आगे भी किसी की ब्लूमिंग या किसी की फ्लावर या किसकी कुछ भी अच्छा पौधा जो मुझे अच्छा लगता है, कुछ ऐसे भी हैं मुझे कोई अच्छे नहीं भी, मतलब मुझे लगता है कि शायद किसी को ये उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो तब तक मैं वीडियो शेयर नहीं करती जब उसमें पूरी वो अट्रैक्शन लगती है कि वाओ व्हाट दिस इज प्लांट, है ना, तो मैं उसकी वीडियो शेयर करती हूँ। तब तक मैं, मेरा खुद का मोटिव ये नहीं होता कि मैं ऐसे किसी को वीडियो डालते जाऊँ कोई देखता जाए, किसी को अच्छा लगे ना लगे वो मेरा मैटर नहीं है। तो जब सबसे अच्छा प्लांट निकल कर आता है तो मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं वीडियो आपके साथ उसकी वीडियो और थोड़ी सी केयरिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर केयरिंग की मैं बात अभी करूँ तो मैं इसको जो वाटरिंग अभी, क्योंकि अभी थोड़ा सा आफ्टर वन मंथ की इसकी थोड़ी सी सर्दी आ जाएगी, शायद मैं पानी कम कर दूंगी, लेकिन राइट नो अभी मैं इसको टू टाइम वाटरिंग लाइट कर दी, पहले से थोड़ा कम पानी देती हूँ, पहले जैसे थोड़ा सा देना पड़ता था हफ्ते बाद या दो हफ्तों बाद, वन वीक में थोड़ी ज्यादा पानी की मात्रा देती थी। और वाटर शॉवरिंग तो दो टू टाइम्स करती हूँ, सुबह और शाम हल्की हल्की, इनमें तो वाटरिंग जो करनी पड़ती है, तो इसके बाद अब थोड़ा सा कम कर दूंगी, क्योंकि सर्दी आने वाली है तो बूटे इसका जो अपने रूट्स हैं वो गलने भी लगते हैं, तो जिन चीजों का थोड़ा सा ध्यान मैं रखती हूँ। बाकी इसके साथ मैंने और कुछ अभी छेड़खानी नहीं की, बहुत अच्छा मेरा प्लांट जा रहा है, अगर आपने घर पे लगाना है जरूर लगाओ। इसकी फ्लावरिंग देखो बहुत प्यारी फ्लावरिंग है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही लगाती हूँ, वही आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे प्लांट्स अच्छे लगते हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरी नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन होती है वो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और खूबसूरत प्लांट्स के बारे में जानकारी लेने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।